सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज हम आप सबको बताएंगे उत्तर भारत में कुलदेव के रूप में प्रतिष्ठित एक शक्ति हैं बड़े पुरुष, उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास आते रहते हैं उनके भक्त और बता पूछते हैं उनके बारे में, आप बताइए उनकी क्या साधना है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, क्योंकि यह उत्तर भारत में कुलदेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उनकी पूजा होती है, और ये जिस कुल में हैं उनकी रक्षा करते हैं अपने कुल से संबंधित व्यक्तियों की, तो उनके बारे में आज आपको छोटी सी जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को उनकी सेवा करने में थोड़ा सुलभता महसूस हो और उनके बारे में भी आप जान जाएंगे कि वो कौन हैं और कौन कौन से उनके साथ पाँच दिव्य शक्तियाँ चलती हैं और उनकी क्या शक्तियाँ हैं, उनके क्या कार्य हैं, क्या प्रयोग हैं उनके, तो इस बारे में बताएँगे। सैयद सलार मसूद गाजी की मजार बहराइच में है और ये उन्हीं के सेनापति हुआ करते थे, सैयद सलार मसूद गाजी के बड़े पुरुष। जब गाजी मियाँ का विशेषकर आतंक हुआ हिंदुओं पर और ये हिंदुओं की असमत लूटने लगे, हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने लगे आतंक करके और हिंदुओं के गाय की पूछ काटने लगे, तब से बड़े पुरुष इनसे विद्रोह कर दिए और उस विद्रोह के बाद बड़े पुरुष के साथ जो भी उनके अनुचर थे, जो उनकी विचारधारा के थे जो है, तो वो बड़े पुरुष के साथ हो लिए और जो भी गाजी मियाँ के विचारधारा के थे उनके साथ हो लिए। इन ये दो गुटों में बट गए, पर एक गुट गाजी मियाँ का हो गया और एक गुट हो गया बड़े पुरुष का। बड़े पुरुष हिंदुओं की सुरक्षा के लिए गाजी मियाँ से लड़ने लगे और ये हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए इनके आक्रमण से और इनके जो है जो अनुचर थे उनके आक्रमण से हिंदुओं के घर के सामने सुअर की मुंडी कटवा के टंगवा दिए, जिससे कि ये जो भी मुस्लिम हैं ये सुअर की वजह से किसी हिंदू के घर में प्रविष्ट ना हो और उस घर को ये छोड़ देते थे। तो जो भी गाजी मियाँ के अनुयायी थे वो गाजी मियाँ को प्रमुख रूप से मानने लगे और जो भी बड़े पुरुष के विचारधारा से प्रेरित थे, जो इनके साथ थे उस आतंक के खिलाफ थे, वो बड़े पुरुष के साथ हो लिए और तब से आज तक बड़े पुरुष की पूजा इसी रूप में होती है और ये हिंदुओं के कुल में प्रतिष्ठित हैं और विशेषकर उत्तर भारत में ये कुलदेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं और इनकी पूजा होती है। बड़े पुरुष की भी मजार बहराइच में ही उपलब्ध है और गाजी मियाँ की भी मजार जो है बहराइच में ही है और ये जो है बड़े पुरुष इनकी अद्भुत शक्तियाँ थी, जो है ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि ये एक बार विशेष आवश्यकता पड़ने पर अपने पांच पग में यानी पांच फाल में ये जो है 15 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिए। पांच पग में एक पग का एक कोस हुआ करता था इनका जो है, और ये वीर श्रेणी की शक्ति हैं और ये जो है अपने मृत्यु के उपरांत दिव्यात्मा श्रेणी में हो गए और जो भी इनके अनुयायी थे, जो भी इनके उपासक थे, जो इनके विचारधारा से प्रेरित थे और इनके जो है साथ थे, ये सब इनको कुलदेव के रूप में प्रतिष्ठित करके पूजने लगे और तब से आज तक इनकी पूजा कुलदेव के रूप में होती है। और जो है इनके साथ जो शक्तियाँ चलती थी उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। प्रथम शक्ति थी काले, काले नाम के एक वीर थे जो बड़े पुरुष के साथ ही रहते थे। एक थे गोरे नाम के वीर, ये सब वीर ही चलते थे इनके साथ, क्योंकि ये स्वयं भी वीर थे, युद्ध में जो है योद्धा थे और इनके साथ भी वीर ही चलते थे। काले और गोरे नाम के दो वीर थे, ये जिस कुल में प्रतिष्ठित हुए, जहाँ ये कुलदेव के रूप में हुए, वहाँ ये द्वारपाल के रूप में इनकी स्थापना की गई और इनको जो है जो भी इनका भोग चढ़ता था सात्विक तरीके से दिया जाता था। और दूसरी शक्ति जो है तीसरे नंबर की शक्ति थी इनकी जो है बंदी छोर। बंदी छोर का कार्य ये था कि कहीं भी बंधन डालने में, ये भी एक वीर योद्धा थे, युद्ध में मृत्यु के प्रांत जो है इनकी भी उनके साथ ही पूजा की जाती थी। और ये बंदी छोर का कार्य ये था कि ये कहीं भी बंधन डालने में इनका विशेष प्रयोग किया जाता था और इनका प्रयोग ऐसा अद्भुत होता था कि कहीं भी बंधन अगर डाल दिया जाए तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता था। जैसे किसी के खेत में कोई बंधन डाल दिया जाए जो है, तो उस एक दायरे से एक क्षेत्र से व्यक्ति नहीं निकल पाता था। किसी के शरीर पर बंधन डाल दिया जाए तो कोई दूसरी शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी, और किसी जो है घर में बंधन डाल दिया जाए तो कोई भी निगेटिव एनर्जी नकारात्मक शक्ति नहीं घुस पाती थी, तो ऐसा इनका प्रयोग था। और जो है चौथे थे अग्निज्योत,
अग्नि की ज्योत के समान एक दिव्य शक्ति इनको प्राप्त थी। इनका प्रयोग, इनको अग्नि ज्योत नाम कहा जाता है। इनका प्रयोग ये था कि ये दिव्य दृष्टि प्रदान करते थे, जो भी इनके साधक होते थे, उपासक होते थे, उनको ये दिव्य दृष्टि प्रदान करते थे। दिव्य दृष्टि ऐसी कि आप इनसे कहीं भी देख सकते हैं, या आप एक आपको अग्नि की ज्वाला दिखाई देगी, उसके अंदर आपको दृश्य दिखाई देगा। जो अग्नि ज्योत पर जिनकी सवारी आती थी जो है, तो उनके हिसाब से जो है ऐसा जो है होता है। तो अग्नि की ज्योति की जो ज्वाला है उसमें आपको दृश्य दिखाई देते हैं, दृश्यों के माध्यम से ये बताती है इनकी शक्ति थी दिव्य दृष्टि प्रदान करना। और ब्रह्म ज्योत ब्रह्म श्रेणी की शक्ति है। ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म देव होते हैं उस श्रेणी की शक्ति है ब्रह्म ज्योत। इनका कार्य ये था जो है कोई भी दैवी बाधा हो उसका निराकरण करना, और कहीं भी इनका प्रयोग कहीं हो जाता था तो ये अग्नि को प्रकट कर देते थे, उस घर में आग लगा देते थे, खेत में आग लगा देते थे, और तरह तरह की उपद्रव कर देते थे इनका प्रयोग जब होता था। तो ये जी इनके घर में कुल के रूप में उपस्थित थे, उनकी रक्षा करते थे, और जिनके ऊपर इनका प्रयोग किया जाता था उसका विनाश करते थे। तो ये पांच शक्तियाँ जो है बड़े पुरुष के साथ रहती थी, काले घोड़े, बंदी छोर, अग्निज्योत और ब्रह्म ज्योत। ये पांच शक्तियाँ बहुत ही प्रभावी थी और कुल में प्रतिष्ठित थी और सबकी रक्षा करती थी। तो ये बड़े पुरुष के साथ जो पांच शक्तियाँ थी, इनकी भी आज भी उत्तर भारत में पूजा की जाती है और इनको भोग प्रसाद रूप में दिया जाता है। और ये मंत्र से ज़्यादातर नहीं सिद्ध हुए हैं, ज़्यादातर ये सवारी ही लेते थे, ज़्यादातर अपने जो भी इनके घर में ये प्रतिष्ठित थे वो सवारी के रूप में आते थे। आज भी कई घरों में इनकी सवारियाँ आती हैं। तो ऐसा है बड़े पुरुष का प्रभाव। तो इनके बारे में जो हमने आपको जानकारी दी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे आप तक हमारे वीडियो पहले पहुँचें। अगर आपको किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करनी है, कुछ साधनाएं सीखनी है या साधनाओं के बारे में जानना है, या आप अपने आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो कॉल वी फोर ऐप के माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार, या जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पर भी आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। आपको कोई अगर ऐसा आपका विषय है जिस पर आप कुछ हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से जो है आपको जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।